रायबरेली तिरंगा यात्रा निकाल कर मनाया अमृत महोत्सव। सेनानी ही देश के असली धरोहर रहे दीप प्रकाश शुक्ला। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बुधवार को सरैनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा सरैनी चौराहे से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुई, जो शहीद स्मारक पर सेनानियों एवं शहीदों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित कर संपन्न हुई। भाजपाइयों ने वीर सपूत सेनानियों की शौर्य गाथाओं का भी वर्णन किया। यह कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने हाथों में पार्टी व तिरंगा झंडा लिए हुए शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज सेवी दीप प्रकाश शुक्ला ने कहा कि हम भारतीय देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यह देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। इस कार्यक्रम से लोगों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की अहम भूमिका रही, जिसके कारण हम सब आज पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल पांडे ने कहा कि आज भारत सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर मजबूत हो रहा है। विश्व पटल पर भारत की साख बनी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनीत शुक्ला, विधानसभा प्रभारी जतन पांडे, प्रभात सिंह, आनंद त्रिवेदी, आशीष पांडे आदि लोग मौजूद रहे। अंशु श्रीवास्तव, TV India 18 जिला संवाददाता, रायबरेली।